नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि अब जो है लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, तो भाई हम मैकेनिक लोग जो हैं अपने घर पर बैठे हुए हैं, तकरीबन सभी जितने भी दुकानदार हैं। तो हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता है तो वो हमें कॉल करके आता है कि हमें जो है अपनी बाइक में सर्विस करानी है या कुछ छोटा मोटा काम कराना है, तो वो हमारे घर पर आ जाते हैं, तो जिसके चलते हम बाइक में काम कर देते हैं। तो ये भाई भी देखिए मेरे पास आया है और इसने मेरे को बोला है कि आपने इसके अंदर कुछ ये काम करने हैं, जिनके चलते मैं वो सामान लेकर आ चुका हूँ। और देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बाइक चली है 68,462 किलोमीटर। और जो है देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है। हमने इसके अंदर जो है क्लच प्लेट डालनी है, प्रेशर प्लेट, विड्यूल का ऑयल डालना है जो है 1030, और ये है सिंथेटिक, और बाकी ये टूल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जो है हम इसके अंदर हीरो की बिल्कुल जेन्युइन क्लच प्लेट की फिटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई हमने जो है इसके ऑयल को निकाल लिया है और यहाँ पर देखिए हमने सामान भी यहाँ पर अच्छे से रख लिया है, और जो इसका ऑयल है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है क्योंकि बाइक जो है 3000+ किलोमीटर चल चुकी है, तो इसको जो है टाइम नहीं लगा, तो इसलिए इसका जो ऑयल है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए पहले हम इसके क्लच कवर को ओपन करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी दिखाया है कि जो ये क्लच कवर होता है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ से जो प्लास्टिक की जो हथौड़ी होती है और उससे जो है हम 5-6 बार इसके ऊपर हीट करते हैं, तो ये जो कवर होता है ये देखिए यहाँ पर जो पैकिंग लगा होता है तो वो नहीं फटता। तो जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पर हथौड़ी तो नहीं थी, मैंने हथेली से इसको 4-5 बार हीट किया और देखिए इसका पैकिंग बिल्कुल सेफ निकला है, ये नहीं फटा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास जब कोई बाइक क्लच प्लेट के लिए आती है या उसको आप ओपन करते हैं क्लच को, तो आप इसको 5-6 बार प्लास्टिक वाली हैमर से ना हीट कर लेना, तो आपका पैकिंग नहीं फटेगा। तो आप देख सकते हैं इसका पैकिंग जो है बिल्कुल सही है। अब आपने एक इम्पैक्ट ड्राइवर लेना चाहिए जो तकरीबन सभी मैकेनिक के पास होता है, ये जो है बहुत आसानी से इन पेंच को आसानी से खोल देता है। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए आपके पास एक स्पेशल पुलर होना चाहिए। तो ये जो बड़ा होल होता है ये वेट वाले यानी कि बैलेंसर वाले नट को ओपन करता है, और ये छोटे वाला जो क्लच में इधर हाउसिंग में लगा होता है जो इसकी इनपुट शाफ्ट होती है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का होता है। ज़्यादातर मैकेनिक भाई क्या करते हैं इसको अच्छानी और थोड़े से खोलते हैं, जो गलती आपने नहीं करनी। और इसको जो है रोकने के लिए एक आपके पास अलग से देखिए GPD पिनियन होनी चाहिए, या फिर आप जो छोटी होती हैं ये इनको कटवाकर यहाँ पर एक अलग से रोड वेल्डिंग करा सकते हैं। तो ये जो होती है इसको रोकने के लिए बहुत आसान काम करती है, तो इसको मैं यहाँ पर पीछे रख लेता हूँ, और जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। तो चलिए पहले में इसको ओपन करते हैं। देखिए जब भी आप इस नट को ओपन करें तो आपने जो है इसको सीधा बिल्कुल लगाना है, और यहाँ पर ये जो हमारा हाथ होता है इसको बहुत मजबूती से यहाँ से इसको पकड़ना है, ताकि ये यहाँ से एक ट्राइपॉड का काम करे और यहाँ पर ये इसको नीचे ना झुकने दे। अगर ये नीचे झुक गया तो ये यहाँ से स्लिप कर जाएगा और आपका नट ये खराब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको मजबूती से पकड़ लेना है, बाकी दूसरे हैंड से आपने इसको नीचे की तरफ दबाव देना है ताकि ये आसानी से खुल जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये कितनी आसानी से खुल गया।
जाती है क्योंकि ये काफ़ी जाम होता है। इसके बाद आपने 8 नंबर की गोटी लेनी है और यहाँ पर जो नीचे बोल्ट होते हैं 8 mm के, उनको ओपन कर लेना है। कुछ पुरानी बाइक्स में यहाँ पर 10 mm के होते हैं। इसके बाद आपने ये 10 mm के जो बोल्ट होते हैं इनको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने इस नट को ओपन करने के लिए आपके पास जो ये 4 लैग वाला पुलर होता है, ये इस देखिए सेंटर को इस प्रकार से रोक लेता है। और ये पुलर देखिए ये छोटे वाला है तो हमने इसको ऐसे लगाना है, और ये ज़्यादा टाइट तो नहीं होता, ये थोड़ा इजीली ही खुल जाता है, तो इसको आपने इस प्रकार से ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं ये कितनी आसानी से ओपन हो गया। तो अब आपने इसको जो है ऐसे पकड़ के ओपन कर लेना है, इसको बाहर निकाल लेना है और नीचे अपना हाथ रख लेना है। कई बार जो ये पीछे वार्सल होती है ये गिर जाती है। तो आपने एक बात और नोटिस की, देखिए यहाँ पर जो है ये क्लच हाउसिंग ये डबल कट वाला इसमें डाला हुआ है, और ये क्लच प्लेट देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें ये 3 कट, एक इस खांचे में है और एक कट वाले इसमें, आप ये प्लेट देख सकते हैं। तो आपने जो है इसको इसी प्रकार से डाल लेना है। तो दोस्तों मैंने जो है इस पर पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है कि ये जो कटोरा होता है हाउसिंग होता है, जैसे कि पहले ओल्ड बाइक्स में ये सिर्फ एक कट वाला है और जो न्यू बाइक्स आ गई है तो इसमें ये डबल कट वाला आता है। तो मैंने इस पर जो है वीडियो बना रखा है इसका क्या फ़ायदा है, मैंने उस पर सही डिटेल में वीडियो बनाया है कि इसका क्या फ़ायदा है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो प्लेट है यहाँ पर ये 3 चलती हैं और चौथी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इतनी जल्दी यहाँ से ये नहीं कटेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो इसमें ये प्ले हो जाती है, ये घिस जाता है, तो यहाँ से ये खटखट करने लगता है। तो याद रखिए ये जो है इसमें डबल कट वाला ये इतनी जल्दी खटखट नहीं करता। खड़ी हुई बाइक से जो आपको साउंड सुनाई देती है खटखट की, तो वो इससे नहीं आती। तो मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर हमने ये उसमें डाला हुआ है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आप कभी क्लच को ओपन करें आपने यहाँ पर दो बातों का ज़रूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो ये 10 mm का बोल्ट होता है इसको आपने एक बार चेक कर लेना है कि ये लूज़ तो नहीं है। दूसरा, जो ये एलन की बोल्ट होता है ये शिफ्टर वाला, इसको भी आपने ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, ये बहुत सावधानी वाला काम होता है। और ये पार्ट भी अभी सही है, अब और इसके सेंटर, तो ये मॉडल जो है 15 है, आप इस पर यहाँ पर देख सकते हैं 14-15 का मार्का यहाँ पर दिया हुआ है दोनों में, तो ये तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है। दोस्तों मैंने इन दोनों पर भी ना ऑलरेडी वीडियो बनाया है कैसे हम इनको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अगर ये यहाँ से कट जाता है या फिर ये यहाँ से कट जाता है, होता क्या है देखिए, जब हम इसको फिट करते हैं तो ये जो यहाँ पर गैप है ये थोड़ा बहुत कुछ माइनर सा कम हो जाता है, मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पर प्लेट चलती है तो ये घिस जाते हैं, तो ये यहाँ से जो होता है यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे कम हो जाता है, तो यहाँ से क्लच प्लेट की जो पकड़ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो मैंने इन पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैसे हम इनको रिपेयर करा सकते हैं, मैंने उसमें से ही आपको जानकारी दी है किस प्रकार से हम इनके हब सेंटरों को रिपेयर करा सकते हैं। तो उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा पहले हम पेट्रोल से इनको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है इनके सभी पार्ट्स को अच्छे से थोड़ा वॉश कर लिया है पेट्रोल के साथ, तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी गंदगी जमा हुई थी, तो देख सकते हैं हमने यहाँ से इसके फेस को भी साफ़ कर लिया है और जो बाकी पार्ट्स हैं इनको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो काम जो है दोस्तों चाहे हम दुकान पर करें चाहे हम घर पर करें, तो काम हम साफ़ सफाई से ही करते हैं क्योंकि साफ़ सफाई ही हमारे काम के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब हम इसकी क्लच प्लेट को ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं इसके अंदर से कौन सी वाली क्लच प्लेट निकलती है। तो ये हमारी हीरो की जेन्युइन क्लच प्लेट है जिसकी MRP है 360 रुपये, और ये प्रेशर प्लेट जिसकी लिस्ट है 90 रुपये। तो ये आप देख सकते हैं
कितनी सफाई है भाई। जब भी हम जानवर क्लच प्लेट डालते हैं तो उसके साथ हम जो है ये प्रेशर प्लेट भी डालते हैं, क्योंकि उनके जो होते हैं यहाँ से ये खींच जाते हैं, यहाँ से ये वाली, क्योंकि ये क्लच प्लेट को पकड़ के चलती है। अब देखिए मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, तो ये इसके अंदर से क्लच प्लेट निकली है। तो इसके ऊपर नाम है लिखा हुआ FCI, तो आप ये FCI देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए FCI। और यहाँ पर जो है ये इस पर कुछ कोड भी लिखा है 107, तो ये हमने इसके अंदर डालनी है, क्योंकि बाइक जो है देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया 68,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो ऐसे में हमें जो है जब जानवर क्लच प्लेट डालनी ही पड़ जाए तो हमें उसके साथ ये प्रेशर प्लेट भी डालनी चाहिए, ताकि इसकी पिकअप और भी अच्छी बन सके। भाई कस्टमर को पैसे खर्चने हैं, मुझे अपने काम में कंप्लेन नहीं चाहिए। कंप्लेन अगर हम लोकल प्लेट डालेंगे तब आएगी, और कस्टमर ही हमें कंप्लेन कर देगा। तो भाई कस्टमर का अगर जेन्युइन काम करना है तो जेन्युइन पार्ट का ही इस्तेमाल करें। तो हमने इसके अंदर ये जेन्युइन क्लच प्लेट विद प्रेशर प्लेट के साथ डालनी है। तो चलिए पहले हम इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको फिट कर लिया, तो चलिए अब हम वहाँ पर इसकी फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है इसको अच्छे से यहाँ से साफ़ कर लिया है, तो अब हम इसके बाद फिटिंग करते हैं। याद रखिए यहाँ इसके पीछे एक मोटी वार्सल होती है और ये एक बुश होता है गोल वाला, तो आपने जो है इसको इसमें डाल देना है। जब भी आप कभी किसी बाइक को चेक करें तो आपने ये याद रखना है, तो इसके अंदर जो रबड़ होती है वो कट जाती है, तो ये तो अभी ठीक है। इसके बाद आपने ये एक स्टार वार्सल होती है कट वाली, ये आपने इसके आगे रख देनी है। और उसके बाद ये जो दो कट वाली वार्सल होती है, जो ये कटी हुई दो टुकड़ियां होती है, देखिए यहाँ से एक साइड से तो आपको ये बिल्कुल प्लेन दिखाई देगी और दूसरी तरफ से ये कुछ उभरी हुई, तो आपने ये बिल्कुल प्लेन जो हिस्सा है ये पीछे की तरफ ऐसे रख देना है। ये आपने बिल्कुल प्लेन को ऐसे करना है और ये उभरा हुआ हिस्सा थोड़ा ऊपर इनको रखना है, ताकि क्लच जो है बिल्कुल फ्री हो सके। कुछ भाई इसको थोड़ा उल्टे रख देते हैं, देखिए, तो इससे क्लच पूरी तरह से फ्री नहीं होता, ये आपने याद रखना है। और ये जो वार्सल होती है ये इनको जो यहाँ पर रोके रखती है ताकि ये गिरे ना, और ये जो है इस कटोरे को बाहर न आने दे, देखिए ये इसके लॉक का काम करती है, ये हमने रख दी। इसके बाद जो हमारी क्लच प्लेट है, ये सेंटर और हब है, इसकी फिटिंग हमने कर लेनी है। तो ये तीन जो है हमने इसके अंदर डालनी है और चौथी यहाँ पर हमने फिट करनी है, ये आपने याद रखनी है। ये इसलिए क्योंकि जो क्लच होता है हमारा अच्छे से फ्री रह सके और काम भी अच्छे से कर सके। इनका काम दोस्तों सुबह के वक्त ज़्यादा काम में आता है, या फिर दोस्तों बाइक जैसे सारा दिन खड़ी रहती है तब इनका काम होता है। तो देखिए यहाँ पर तीन इसके अंदर आ गई और एक ये यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमने जैसे कि आपको दिखाया ये टेपर वार्सल होती है, ये निशान यहाँ पर होता है, ये हमने बाहर करना है और इस नट को लगाकर टाइट कर देना है। इसके बाद ये चार स्प्रिंग और ये जो लिफ्टर प्लेट होती है, इसमें जो बैरिंग होता है ये भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसके अंदर प्ले तो नहीं है। तो अभी तो ये ठीक है, और इनको जो है हमें आमने सामने के हिसाब से टाइट करना चाहिए, ना कि ये किसी एक को लगातार टाइट करना है। देखिए जैसे हमने इसको टाइट किया तो यहाँ पर ये स्प्रिंग थोड़ा बाहर आ जाता है, तो हमने इसको बराबर अंदर कर देना है इन चारों स्प्रिंग को। देखिए होता क्या है, कई बार जो स्प्रिंग होते हैं थोड़े आउट हो जाते हैं, जिसके चलते क्लच पूरी तरह से फ्री नहीं होता, ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये नीचे वाली प्लेट आपने लगा देनी है, यहाँ पर ये ऑयल इकट्ठा रहता है ताकि क्लच प्लेट जल्दी ख़राब ना हो, यहाँ से ये ऑयल जो है उठा दी रहती है।
इससे जो है इसकी कल्टीवेट की लाइफ ज़्यादा बनी रहती है। इसके बाद हमने इस बैलेंसर को लगा देना है। देखिए हमने सभी पार्ट्स को अच्छे से साफ कर दिया है। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ पर ये आप एक होल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक होल दिया गया है ताकि यहाँ पर जो है गैस ना बने और जो ऑयल अंदर इसमें जाता है क्रैंक में वो सही से इसका सर्कुलेशन बना रहे। तो आपने याद रखना है, देखिए यहाँ पर ये होल दिया गया है, इसको हमें चेक करना चाहिए कि ये छेद जो है यहाँ से अटा तो नहीं है। अब यहाँ पर ये छोटे वाली जो हमने एक गरारी को काट रखा है, जो ये एक गियर की गरारी होती है, तब ये यहाँ पर काम आएगी। देखिए तो हमने इसको नीचे से ऐसे रोक देना है ताकि इस नट को हम अच्छे से टाइट कर सकें। तो अब हमने जो है इसको भी टाइट कर दिया है और इस प्लेट को भी अब हमने इसमें लगा देना है। याद रखिए दोस्तों हमने इसको सफाई करके ही यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर ये ग्रीस बन जाता है। तो अब हमने जो है इसके क्रच की कंप्लीट फिटिंग कर दी है और इसके कवर को अब हम लगाते हैं। हमने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो चलिए पहले मैं इसकी फिटिंग कर लेते हैं। अब हम इसको पैक कर दें। तो गाइस हमने जो है कंप्लीट फिटिंग कर ली है और अब हम इसके अंदर ये ऑयल डालेंगे जो है विडोल कंपनी का 10W30 और ये है सिंथेटिक, जो इंजन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। तो आप अपने एरिया में कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हो भाई, मुझे जो है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा काम करें जैसे सर्विस करें तो आप जो है अपनी बाइक के अंदर अच्छा ऑयल ही डलवाएं। हो सके तो जैसे कि अब ये सिंथेटिक तेल आ रहे हैं इनका ही आपने इस्तेमाल करना है, और जो है 10W30। तो सिंथेटिक तेल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल होता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विडोल ही डालें, कैस्ट्रोल ही डालें, गल्फ डालें या मोट्यूल डालें, जो भी आपको अच्छा लगता है अच्छा तेल अच्छा ही होना चाहिए, तो आपने ये याद रखना है। तो फिलहाल तो मैं इसके अंदर ये सिंथेटिक ऑयल ही डालूँगा। तो भाई बाइक की जो है हमने कंप्लीट फिटिंग कर दी है, इसके बाद हम बाकी इसके अंदर काम करेंगे, सर्विस करेंगे और बाकी जो हमने इसके अंदर काम करना है। तो हमने क्लच प्लेट की फिटिंग दोस्तों इस प्रकार से की है, आप अभी सामान देख सकते हैं हमारा यहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो हैं हीरो स्प्लेंडर के अंदर क्लच प्लेट की फिटिंग इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसे कि मैंने आपको ये क्लच प्लेट फिटिंग करके दिखाई और साफ़ सफाई से इसको फिट किया। भाई चाहे मैं दुकान पर काम करूं, चाहे मैं घर पे काम करूं, तो काम जो है दोस्तों मैं इसी तरह से साफ़ सफाई से ही करता हूं। तो हमने इसके अंदर ये फिटिंग कर दी है, अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूं। तो गाइस मैंने इसके अंदर क्लच प्लेट डाल दी है, इसकी फिटिंग कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो भाई हम कोई भी काम होता है जेन्युइन तरीके से ही हमें काम को करना चाहिए। तो भाई देखिए बाइक के अंदर जो है जेन्युइन पार्ट्स को ही काम करना है, तभी आपकी बाइक की लाइफ ज़्यादा बनी रहेगी। तो दोस्तों लॉकडाउन में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी इसको जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।